हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ इजी प्रॉन पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले आप छोटे साइज़ के प्रॉन्स को लीजिए और उसको वॉश कर लीजिए। फिर उसमें डालिए नमक, थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि मसालों की एक कोटिंग इस पर लग जाए। अब आप दो बड़े साइज़ के आलू लीजिए और उनको क्यूब्स में काट लीजिए। मैंने अपने प्रॉन पुलाव की रेसिपी के लिए गोविंद भोग राइस लिया है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप इसमें कोई भी दूसरा बासमती राइस भी ले सकते हैं। अब आप तेल में आलू के क्यूब्स को डालिए, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उसको फ्राई करके अलग से निकाल लीजिए। अब उसी बचे हुए तेल में आप दो तेज पत्ते डालिए, सूखी लाल मिर्च डालिए और थोड़ा सा जीरा डाल के उसको फ्राई कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके आप बचे हुए गरम मसालों को भी उसी तेल में डाल के फ्राई कर लीजिए। जैसे ही गरम मसाले अपनी थोड़ी खुशबू छोड़ने लगे, उसमें अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट डालकर उसको फ्राई कर लीजिए। अब आप उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए और तेल छूटने तक पकाइए। इसी बीच आप हल्दी लगे हुए प्रॉन्स को उसमें डालिए और साथ ही साथ उसको भी फ्राई करते रहिए। अब आप इसमें नमक डालिए और फ्राई किए हुए आलू को डालकर उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। एक ये सिंपल ड्राई प्रॉन मसाला की रेसिपी रेडी हो गई है। अब पुलाव बनाने के लिए आप उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और घी एक साथ लेके गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल या घी थोड़ा गरम हो जाए, आप उसमें तेजपत्ता, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी डाल के उसको हल्का सुगंध आने तक भून लीजिए। उसके बाद आप उसमें काजू किशमिश को थोड़ा चीनी और नमक के साथ डालकर फ्राई कर लीजिए। जैसे ही काजू किशमिश थोड़े अच्छे से फ्राई हो जाए, आप उसमें चावल को डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। जैसे ही आपको लगे कि चावल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, आप उसमें प्रॉन मसाला की सब्जी को डाल दीजिए और चावल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें गर्म पानी डाल दीजिए। जितना आपने चावल लिया है उससे डबल आपको उसमें पानी डालना है। लगभग 25 से 30 मिनट बाद आप देखिएगा कि चावल का पूरा पानी सूख गया है और आपका पुलाव रेडी है। गर्मा गर्म सर्व कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।